नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां मां शारदा महिला महाविद्यालय में टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण कार्यक्रम आयोजित कर सभी छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किया गया, जिसमें माननीय महोदया तहसीलदार जखनिया द्वारा स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां दीप प्रज्वलित करने के बाद सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार ने सम्मान किया और उन्हें पुष्प अर्पित कर सम्मानित करते हुए बच्चों के बेहतर भविष्य की जानकारी के लिए सभी को प्रेरित किया गया और सभी अतिथियों ने छात्राओं को बेहतर भविष्य के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से वह अपने भविष्य को उज्जवल कर सकती हैं, शिक्षा किस तरह से हासिल करें कि वह कामयाब हों, तमाम बातों पर जानकारी दी गई। और यहां पे जितने अतिथि से सभी का विद्यालय परिवार ने सम्मान किया, जिसके बाद स्मार्टफोन कार्यक्रम में सभी छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। माननीय महोदया द्वारा छात्राओं को बेहतर भविष्य के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसमें स्मार्टफोन किस तरह से बेहतर साबित होगा उनके शिक्षा जैसा हासिल करने में, तमाम जानकारी दी गई। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। कॉलेज के सभी स्टाफ, हमारे राजस्व विभाग से आए हुए हमारे राजस्व निरीक्षक लेखपाल और सभी छात्राएं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। सरकार की यह योजना डिजिटल इंडिया भारत को तकनीकी जो व्यवस्था है, जो तकनीकी युग है, ये मुख्य धारा में हम कहीं पीछे ना रह जाएं, इसीलिए हर बच्चे को ये टैबलेट देके उनका उपयोग अपने भविष्य में आगे बढ़े, वो इसका उपयोग करके कंपटीशन की पढ़ाई करें या कोई तकनीकी जो है क्लासेस लें उससे, और अपने कैरियर को मजबूती प्रदान करें, या आपको अपने जीवन को सुदृढ़ करने में, आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करें। तो आज हर चीज ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, ऑनलाइन ढेर सारी जानकारियां जो है ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जो हमें किताबों में नहीं मिलती हैं, या हर स्टूडेंट किताब खरीदने की हर किताब वो खरीद सके, तो ऐसी जानकारियां इसका आप अगर उपयोग और सदुपयोग करेंगे तो इसके माध्यम से आपको अपनी सफलता पाने में सहायता मिलेगी। लेकिन इसका दुरुपयोग भी है, दुरुपयोग तो आप जान रहे हैं, बताना नहीं होगा। छोटा सा बच्चा भी मोबाइल लेके व्हाट्सएप पे खाली वो कार की रेसिंग ही कराता है, वो नहीं करना है। सरकार आपको जिस उद्देश्य से दे रही है कि हमारे बच्चे जो है मुख्य धारा में आए और एक विश्व भारत को एक विश्व शक्ति बनाने में मदद करें, तकनीकी रूप से हमारे इंडिया के बच्चे बहुत आगे हैं, तो गांव देहात के बच्चे इसमें पीछे ना रह जाएं उस जानकारियों से। ये हमारी महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, इससे गांव के कोने कोने में बच्चों को जो है इसके माध्यम से तकनीकी ज्ञान उनको उपलब्ध हो, यही उद्देश्य है हमारी सरकार का। और ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य की सफलता के लिए, धन्यवाद। अनुप्रिया यादव, नाम सब लोग मिला लेंगे क्योंकि अगर ये दूसरे के पास गया तो खुलेगा नहीं। इसलिए सब लोग अपना नाम मिला लेंगे, अगर किसी और के नाम जाया तो चेंज कर लेंगे। अंजु कुमारी, आइए सुनते हैं स्मार्टफोन वितरित करने का क्या उद्देश्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुशवाहा है, प्रबंध निदेशक माँ शारदा महिला महाविद्यालय जलालाबाद। आज शासन के निर्देश पर एमए के फाइनल बच्चों को दिया गया स्मार्टफोन, क्या करना चाहिए? आज 134 छात्राओं को
टैबलेट वितरित किया गया है, जिसमें नोडल अधिकारी के तौर पे जखनिया तहसील की तहसीलदार महोदया नीलम जी ने अपने कर कमलों द्वारा टैबलेट को वितरित किया। इस पर और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी वर्ग के लोग हैं जो अति पिछड़े हैं और गरीब हैं, और जो इन सब सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसी के उद्देश्य से हमको लग रहा है शासन ने बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कर रही है, ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो। रेखा कुमारी जी, रेखा कुमारी, रिंकू यादव, सुमन यादव, सीमा राजभर, सीमा राजभर, मनीषा चौहान, मनीषा चौहान, खुशबू पांडे, अनुराधा कुमारी, अनुराधा कुमारी, सुषमा तलवार, शिवानी यादव, यादव शिवानी मौर्य, स्मिता मौर्य, पूजा यादव, निशा प्रजापति, निशा प्रजापति, निशा प्रजापति, अंतिमा यादव, अंशिका कुशवाहा, आप भी पकड़, आप ही पकड़ लीजिए, कोई पकड़ ले, आप पकड़ लीजिए। सुषमा यादव, एम आई बाइक शशिकला चौहान सिंह, रितिका, रितिका चौहान, और बिंदु चौहान, ज्योति चौहान, सभी लोग लेके बैठे रहेंगे, लता दुबे, कंचन गुप्ता, संध्या गुप्ता, पूजा सिंह, पूजा सिंह एमएससी मैथ, शंका कुशवाहा, नीलू यादव, एमएससी रोशनी भारती, रेणु,
रीनू, अर्चना यादव, हम क्या फोन बात में ये फोटो बहुत सही आ रही है। हेमलता कुशवा, सोनम चौहान, पूजा गौतम, प्रतिभा मोदनवान, स्नेहा कुशवा, सीमा मौर्य, पूजा गौड़,